नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ कुछ अर्जेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। अभी रिसेंटली कल ही नीट 2019 का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ एनटीए के हेल्पलाइन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप एडमिट कार्ड में जो कोई भी मिस्टेक है उसे सॉल्व कर सकें और एनटीए को कॉन्टैक्ट कर सकें और आपके जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व कर सकें। तो दो तीन प्रॉब्लम है स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम यह आता है कि एनटीए के एग्जामिनेशन डेट जो है वो गलत छपा है। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप पेज को क्लोज करें या उसको रिफ्रेश करके वापस एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वह अपडेट हो जाएगा। नीट के एग्जामिनेशन डेट भी अपडेट हो जाएगी और आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सुधर जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट ये फेस कर रहे हैं कि उनका एड्रेस जो है एडमिट कार्ड में गलत पब्लिश हुआ है। तो इसके लिए आपको एनटीए को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और एनटीए उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और तीसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो स्टेट से बाहर आया हुआ है। तो ये तीन प्रॉब्लम आप कैसे कर सकते हैं कि आपको एनटीए को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और उनके हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। हेल्पलाइन नंबर आपको एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in। यहाँ पर आप जाते हैं तो उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट में क्लिक करना है और जैसे ही आप कॉन्टैक्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं कि उनके दो डिटेल दी हुई है। सबसे पहले आपका मेल आईडी दी हुई है और उसके बाद फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो मेल आईडी देख लेते हैं। मेल आईडी है neet.ug-nta@nic.in। यहाँ पर मेल आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह आएगी कि आपका जो है मेल का जो रिस्पांस है वो काफ़ी समय हो जाएगा उसको आने में। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आपके दो फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो पहला फ़ोन नंबर है 8076535482 और सेकेंड फ़ोन नंबर है 7703859909। तो ये दो नंबर है, आपको एनटीए के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एडमिट कार्ड में सुधार करने के लिए आपको कांटेक्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एनटीए खुद अपडेट कर दे। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उन्हें ईमेल करें और उसके साथ साथ उन्हें कांटेक्ट भी करें, ताकि आपका जो एडमिट कार्ड का जो करेक्शन है वो जल्द से जल्द हो सके और आप नीट के लिए फोकस रहें और हार्डवर्क करते रहें। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।